चलो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और इसी प्रकार की जो प्रैक्टिस है बुक्स में भी हम लोगों ने दिया हुआ है, तो आप स्टूडेंट को अपने बोर्ड पर आकर भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ। इसके साथ साथ नोटबुक के अंदर भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। चलो देखें, 3 का टेंस कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 7। क्लियर? जिससे इस प्रैक्टिस से बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे से आ जाएंगे और वो सेकंड्स में आंसर देने लगेंगे। अगर बच्चे सेकंड्स में आंसर देने लगेंगे तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसानी रहेगी। जैसे कि हम लोगों ने याद होगा कि जो अबेकस के अंदर भी पढ़ा था हमने विक फ्रेंड, तो वैसा ही है हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट्स भी। तो 6 का 10 कॉम्प्लीमेंट्स कौन होगा? तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। 2 का टेंस कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 8। अब आप बोलते जाइए, मैं आंसर लिखते जाऊंगा। 7 का 10 कॉम्प्लीमेंट 3। 9 का 10 कॉम्प्लीमेंट 1। 8 का 10 कॉम्प्लीमेंट 2। क्लियर? इसी प्रकार आपको अब 9 कॉम्प्लीमेंट्स की भी प्रैक्टिस करानी है, यानी आपको जिसका भी 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे 9 में से लेस कर देंगे। तो 6 का 9 कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 3। क्लियर? 1 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8, क्योंकि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। इसे याद रख लें आप, 9 में से 9 जाएगा तो 0। इसके साथ साथ 9 में से 3 लेस करेंगे, यानी 3 का 9 कॉम्प्लीमेंट 6, 4 का 9 कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का 9 कॉम्प्लीमेंट 4 और 8 का 1। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस भी कराना है अब बच्चों को।